Hey assalamu alaikum to all of you and welcome to study sphere once again इन दिस वीडियो वी विल टॉक अबाउट थीम ऑफ यूटिलिटेरियनिज़म इन हार्ड टाइम्स इस वीडियो में हम पूरी डेप तक जाएंगे कि किस तरह से यूटिलिटेरियनिज़म की थीम को फॉलो किया है हार्ड टाइम्स में चार्ल्स टिकन ने और सिमिलरली यूटिलिटेरियनिज़म का कॉन्सेप्ट क्या होता है उसकी भी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग करेंगे और नावल के अंदर कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो यूटिलिटेरियनिज़म को प्रोमोट करते हैं या पोर्ट्रे करते हैं सो लेट स्टार्स दिस लेक्चर इन चार्ल्स टिकन्स नावल हार्ड टाइम्स द थीम ऑफ शिटिलिटेरियनिज़म प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल यानी इस नावल के अंदर इस थीम का बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट रोल है यूटिलिटेरियनिज़म इज़ ऑल अबाउट बीइंग प्रैक्टिकल यानी इसका मतलब यह है कि आपको प्रैक्टिकलिटी देखनी है इमोशंस पे इतना फोकस नहीं करना एंड यू हैव टू फोकस ऑन दैट द बेनिफिट ऑफ मोस्ट पीपल यानी कोई भी ऐसी चीज़ जो है अगर ज़्यादा लोगों को बेनिफिट कर रही है सो तो आपको बींग प्रैक्टिकल उसी को चूज़ करना है चाहे इमोशनली आप उसको सपोर्ट करते हों या नहीं करते हों सो द स्टोरी इज सेट इन एन इंडस्ट्रियल टाउन कॉल्ड कोक टाउन सो इस एरिया का जो ये फ़िक्शनल टाउन है इसका भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है बेसिकली ये नावल जो है वो मिड एड नाइनटीन सेंचुरी का है और इस नावल के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी जो रेवोल्यूशन आई थी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन उसका बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट है कि कैसे उसने लोगों की लाइफ्स को अफेक्ट किया था अगर कुछ लोग अमीर से अमीर हो रहे थे तो जो दूसरे लोग थे वो काफ़ी ज़्यादा इसकी वजह से अफेक्ट भी हुए बहुत ज़्यादा इमोशनली डिप्रेस्ड भी हुए और ऑब्वियसली उस टाइम पे विक्टेरिया नहीं रहा था तो तब फीमेल्स को भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा था सो लेट्स स्टार्ट के किस तरह से यूटिलटेरियनिज़म का पहला पॉइंट है जो हमें इस नावल में देखने को मिलता है सबसे पहला कॉन्सेप्ट है एजुकेशनल यूटिलिटेरियनिज्म यानी कि इस तरह से एजुकेशन को यूटिलाइज़ कर रहे हैं लोग सो वन करेक्टर थॉमस ग्रैड ग्रीन जो कि प्रोटेगनिस्ट भी हैं इस स्टोरी के बिलीव्ज इन टीचिंग ओनली हार्ड फैक्ट्स एंड प्रैक्टिकल नॉलेज ये बिलीव करते थे कि सिर्फ और सिर्फ बच्चों को जो है जी लॉजिक पढ़ाना चाहिए और इमोशंस बिल्कुल इमोशंस पे फोकस नहीं करना चाहिए इग्नोरिंग इमोशंस एंड क्रिएटिविटी ना ये क्रिएटिविटी को प्रमोट करते थे ना ये इमोशंस को प्रमोट करते थे ये सिर्फ लॉजिक को कंसीडर करते थे रीजन को कंसीडर करते थे और समझते थे कि ज़िंदगी में कोई भी फ़ैसला करना है तो वो सिर्फ लॉजिक के बेस पे होना चाहिए रीजनिंग की बेस पे होना चाहिए दिस अप्रोच अफेक्ट्स द चिल्ड्रंस लाइफ एंड लिमिट देयर पर्सनल ग्रोथ क्योंकि ये इनका एक स्कूल होता है और ये वहाँ पर ये सब टीच करते होते हैं तो वहाँ पर जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं या इनके अपने चिल्ड्रन जो होते हैं उनकी अपनी पर्सनल ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा लिमिटाइज हो जाती है और ये अप्रोच जो है वो उनको बहुत ज़्यादा अफेक्ट भी करती है फ़र्दर उनकी लाइफ में सेकेंड मेन कॉन्सेप्ट हमें इकोनॉमिकल यूटिलिटेरियनिज़म का इस नावल के अंदर मिलता है जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि ये जो नावल है ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से बहुत ज़्यादा अफेक्टिव है सो so, इसमें क्या होता है कि कोक टाउन जहाँ पे ये फ़िक्शनल एक छोटा सा टाउन है इंडस्ट्रियल टाउन है यहाँ पे ये नॉवल सेट किया है सो so, कॉकटाउन टाउन इज़ ऑल अबाउट मेकिंग मनी एंड बीइंग एफिशिएंट, तो यहाँ के लोगों की थॉट, कॉकटाउन की थॉट, लोगों की बस यही थी कि उनको बस पैसे बनाने हैं वो बस किसी भी तरह पैसे बनाने और इतना ज़्यादा उस चीज़ में एफिशियंट रहना है बट दिस लीड्स टू द एक्सप्लाइटेशन ऑफ द वर्कर्स एंड डीमनाइजिंग वर्किंग कंडीशन अच्छा अब इसकी वजह से क्या होता है कि ये जो वहाँ के वर्कर्स होते हैं इंडस्ट्रीज़ में उनको बहुत ज़्यादा अफेक्ट करना शुरू हो जाती है ये चीज़ उनको बिल्कुल मशीनरी की तरह ट्रीट करना शुरू कर दिया जाता है डिमिनाइजिंग का मतलब यह कि ऐसी ऐसी वर्किंग कंडीशन उनके ऊपर implement की जाती हैं जो कि एज़ अ वर्कर उनको बिल्कुल सूट नहीं करती और इमोशनली उनको डिप्रेस कर रही हैं उनको फ़िज़िकली इतना ज़्यादा उनके ऊपर वो ज़्यादा बर्डनाइज़ कर रही हैं बट ऑब्वियसली इकोनॉमिकल यूटिलिटेरियनिज़म था उनको लगता था कि हमें बस पैसे बनाने हैं पैसा बनाना ही हमारे हाँ फ़ायदे में है यही चीज़ हमें बस एडवांटेज दे सकती है सो so, उन्होंने उसके ड्रॉबैक्स नहीं देखे और सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिकल यूटिलिटेरियनिज़म को सपोर्ट करते हुए वर्कर्स को काफ़ी ज़्यादा सप्रस्ट किया हुआ था थर्ड जो मेन एलिमेंट है हमारे पास वो है जी यूटिलिटेरियन रिलेशनशिप्स यानी ऐसे रिलेशनशिप्स जिनको आप सिर्फ इस वजह से अपना लेते हो कि आपको लगता है कि इसमें अगर हम रहेंगे तो ये हमें फ़ायदा देंगे या ज़्यादा लोगों को फ़ायदा देंगे सो सम कैरेक्टर्स लाइक लुइज़ा यानी जो इस नावल की वन ऑफ सेंट्रल कैरेक्टर है मिस्टर ग्रैड ग्रीन की बेटी है ये सो so, ये एंटर मैरिज बेस्ड ऑन प्रैक्टिकलिटी रादर देन लव लीडिंग टू अनहैप्पीनेस सो ये एक ऐसी शादी में चली जाती है जो कि कम्प्लीटली loveless marriage मैरिज होती है बट इसको ऐसे लगता है क्योंकि इसके फादर भी इसको यही कहते हैं कि अगर आपको अपना एक सक्सेसफुल करियर चाहिए करियर तो नहीं लेकिन एक आपको अपनी अच्छी ज़िंदगी चाहिए तो आप इस तरह की शादी कर लें और ये आपके फ़ायदे में होती है और ज़्यादा लोगों को फ़ायदा भी देगी सो so ये उसके बाबा ने उसको हमेशा से उसके इमोशंस को सप्रेस करना ही सिखाया था उसने अपने डिज़ायर्स को हमेशा पीछे ही रखा था कभी कंसिडर नहीं किया था था और उसने लॉजिक और रीजनिंग की वजह से ही इस मैरिज को ये एक्सेप्ट भी कर लेती है बट ऑब्वियसली वो इसके इवेंचुअल डाउनफॉल का सबब बनती है एट द एंड इसका बहुत ही ज़्यादा डाउनफॉल होता है बिकॉज दैट वॉज कंप्लीटली एन अनहैप्पी मैरिज यूटिलिटेरियनिज्म की थीम को लेके फोर्थ मेन पॉइंट है हमारे पास रिजेक्टिंग यूटिलिटेरियनिज्म यानी ऐसा भी वक्त आया क्योंकि इस नावल में सबसे पहले तो लोग यूटिलिटेरियनिज्म को सपोर्ट ही करते दिखाई दिए बट ऑब्वियसली एक टाइम आया जब वो इसको रिजेक्ट करना शुरू हो गए बिकॉज ऑफ क्यों उन्होंने देख लिया था कि इसके कितने ज़्यादा बुरा इम्पैक्ट हो रहा है उनके ऊपर सो एज द स्टोरी एंडफोल्ड्स यानी जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है सो कैरेक्टर्स रियलाइज दैट फोकसिंग ओनली ऑन प्रैक्टिकलिटी हैज नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस तो जितने भी इसके अंदर मेन कैरेक्टर्स थे उन्होंने ये चीज़ रियलाइज़ की कि अगर हम सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकलिटी को देखेंगे अगर हम सिर्फ लॉजिक को देखेंगे रीजनिंग को देखेंगे सो तो इसके बहुत ही ज्यादा नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस हो सकते हैं हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इवन डिस्टेटिंग कॉन्सिक्वेंस हो सकते हैं देन दे लर्न द इम्पोर्टेंस ऑफ एम्पथी एंड काइंडनेस और जाहिर है जब एक चीज़ की आपको नेगेटिविटी पता चलती है तो फिर आपको समझ में आता है कि इमोशंस और डिज़ायर्स और एम्बिशंस जिनको वो कब से इग्नोर किए जा रहे थे उनकी कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है उनकी लाइफ के अंदर तो वो सीखते हैं कि फिर एम्पथी क्या है और काइंडनेस क्या है इमोशन्स को किस तरह से हमने बैलेंस करके एक अच्छी सोसाइटी बिल्ड करनी है और अच्छी सोसाइटी बिल्ड करने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ यूटिलिटेरियनिज़म को ही प्रोमोट नहीं किया जा सकता इवन और भी बहुत से अच्छे काम हैं जो आप कर सकते हैं सो एट दी एंड लोगों ने यह चीज़ समझी थी इस नावल के अंदर कि हर चीज़ यूटिलिटेरियनिज़म ही नहीं नहीं होती ह्यूमैनिटेरियरियन वैल्यूज़ ये हमारे पास यूटिलिटेरियनिज़म की थीम का लास्ट पॉइंट है सो कैरेक्टर्स लाइक सिसी ज्यूब एंड स्टीफन ब्लैकपोल शो कम्पेशन एंड केयर फॉर अदर्स अब ये जो दो करैक्टर हैं सीसी का कैरेक्टर जो है और स्टीफन ब्लैकपोल का जो कररेक्टर है ये दूसरों के लिए कम्पेशन दिखाता है केयर दिखाता है यानी लव दिखाता है हाईलाइटिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ काइंडनेस अब इससे हमें पता चलता है कि इस काइंडनेस की कितनी ज़्यादा सिग्निफिकेंट है सिग्निफिकेंस uh, है इन कंट्राज टू अब प्योरली प्रैक्टिकल अप्रोच यानी हम लोग जो सिर्फ रीजनिंग वाली अप्रोच को लेके चल रहे हैं बट एट द सेम टाइम काइंडनेस भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये दोनों कैरेक्टर हमें ये चीज़ पोर्ट्रे करते हैं सिसी का कैरेक्टर जितना ज़्यादा हेल्प करता है लुइज़ा को उसको समझाने में इवन दो स्टीफन का कैरेक्टर भी ह्यूमनिटेरियन वैल्यूज़ को ही सपोर्ट करता हुआ हमें इस नावल के अंदर दिखाई दिया है एंड इन कंक्लूजन हम ये कह सकते हैं कि हार्ड टाइम क्रिटिसाइज़ द नैरो फोकस ऑफ यूटिलिटेरियनिज़म यानी हमने जो सिर्फ और सिर्फ एक यूटिलिटेरियनिज़म के कॉन्सेप्ट को ही पकड़ लिया है सो हार्ड टाइम्स के अंदर हमें चार्ल्स चिकर ने दिखाया है कि यह बहुत ही ज़्यादा नैरो फोकस है और उन्होंने उसको क्रिटिसाइज़ भी किया है इस नावल के अंदर एंड एम्फिसाइजिज द इम्पॉर्टेंस ऑफ बैलेंसिंग प्रैक्टिकलिटी विद एम्पथी एंड ह्यूमेनिटी चार्ल्स टिकन्स ने बेसिकली हमें यह नहीं बताया कि यूटिलिटेरियनिज्म को बिल्कुल ही छोड़ दें बट उन्होंने बताया कि यूटिलिटेरियनिज्म को यानी अगर आप लॉजिक को लेके रीजनिंग को लेके चल रहे हैं बट एट द सेम टाइम आपको उसके अंदर अपने इमोशंस को भी कंसीडर करना है ह्यूमैनिटी को भी कंसीडर करना है एम्पथी को भी, भी लेकर चलना है बिकॉज इन दोनों चीज़ों का बैलेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप इंसानों से मशीनरी की तरह काम नहीं ले सकते अगर लेना भी चाहते हैं तो फिर आपको इमोशनली बहुत ही ज़्यादा ह्यूमैनिटी दिखानी पड़ेगी काइंडनेस दिखानी पड़ेगी आपसे